खर्च जितना आता है उसे चल जाता है जीवन। तो क्या करे, 400 पेंशन मिलता है। रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैंने बार बार एक बात कही है कि बड़े को बड़ा सब बना देते हैं, छोटे को बड़ा बहुत कम लोग बनाते हैं। तो मैं उसी छोटे को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये उम्मीद करती हूँ आपसे कि उस छोटे इंसान की आप भी मदद करें जो कि बहुत बड़ा काम कर रहा है। क्योंकि ऐसे दादी का मैंने उम्र पूछा था कि दादी आपकी उम्र कितनी है, तो दादी ने बताया था कि उनकी उम्र 80 साल है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 80 साल उनकी उम्र है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज, वही द इंडियन स्टोरीज जहाँ पर हम आपको सकारात्मक कहानियाँ दिखाते हैं, जहाँ पर हम आपको इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरीज आप तक पहुँचाते हैं। 2 दिन की बात है कि हमने एक दादी का वीडियो शूट किया था और उन दादी की जानकारी हमें मिली थी नेहा सिंह राठौर की ट्वीट के द्वारा। हमने बहुत बार ऐसा कहते हुए सुना है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। लेकिन जब मैं दादी के पास पहुंची तो मुझे सेम वही चीज़ देखने को मिला जो मैंने फ़ोटो में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखा था। जगह के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि वो दादी छपड़ा के गांधी चौक के पास में एक कैनरा बैंक है उसके पास, वो अपना एक छोटा सा दुकान चलाती हैं। छोटा दुकान तो मुझे पता था, लेकिन जाने के बाद जो मुझे दिखाई दिया वो बहुत ज़्यादा मुझे एक दुखी करने वाला एक सीन था मेरे लिए। जब मैं वहाँ पर गई तो आप समझ लीजिए कि नाले के साइड में दादी जो है वो वहाँ पर बैठ कर लिट्टी बना रही थी, और जो उसकी साइज़ में अगर मैं बात करूँ तो उसका साइज़ 1.5x2 का था, जहाँ पर आप समझ जाइए कि अगर हमारे घर में ऐसा जगह होता है तो हम शायद चप्पल जूता रखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ में मैंने बात किया, कहानी जाना, तो दादी ने बताया कि उनकी 6 बेटियां थी और जिनकी शादी हो चुकी है अभी। फिर मैंने पूछा कि दादी आपके पति का देहांत कब हुआ था, तो उन्होंने कहा कि 10 साल पहले उनके पति का देहांत हो गया, उसके बाद सारी जिम्मेदारी दादी पर आ चुकी थी। 6 बेटियों की शादी हुई और उसी लिट्टी के दुकान से हुई थी। 10 साल पहले तक पति संभालते थे उस दुकान, उसके बाद दादी ने उस दुकान को संभाला। कोशिश किया कि कहीं हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना काम किया जाए, अपने हाथ का इस्तेमाल किया जाए और लोगों को कुछ खिलाया जाए ताकि कुछ पैसे जो है वो आमदनी के एक स्रोत बन जाए। मैं बता दूं कि लिट्टी मात्र, मैंने पटना में भी खाया है, 2 पीस लिट्टी का जो प्राइस होता है ना पटना में, लगभग 25 से 30 रुपए होता है। लेकिन दादी के पास जब मैं गई और पूछी कि दादी लिट्टी कितने का मिलता है आपके पास में, तो एक पोस्टर चिपकाया था वहां पर, पोस्टर छोड़िए कागज पर लिखकर चिपकाया हुआ था कि लिट्टी प्रति पीस 5 रुपए, और 5 रुपये पीस वो 10 रुपये में 2 लिट्टी देती हैं वहाँ पर। और कभी कभी लोग खा के और ऐसे भी चले जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते, उन्हें लगता है कि दादी को बाद में ही पैसा दे दिया जाएगा, जिसके कारण कभी कभी आमदनी जो है वो बहुत कम हो जाती है। जिस जगह के बारे में मैंने वर्णन किया, भी बताया कि बहुत छोटा सा जगह था, 1.5x2 का मैंने जगह बताया, उस जगह का भी किराया उन्हें भरना पड़ता है। उन्हें 300 से 400 रुपये उस जगह के देने पड़ते हैं, जहाँ पर शायद कुत्ते अपने आशियाना बना लेते हैं, कोई जानवर अपना आशियाना बना लेता है, जहां पर शायद कोई स्कोप नहीं है, कोई होप नहीं है कि वहां पर कोई चीज शुरुआत भी की जा सकती है। जब मैं ढूंढ रही थी, मैं गांधी चौक से बरी तो मैं ऊपर ऊपर देख रही थी, मुझे लग रहा था कि दादी का कहीं दुकान देखने को मिल जाएगा, छोटा होगा, बट जब मैं गई वहां तो वो नीचे की तरफ थी बिल्कुल। और ऐसे जगह पर बारिश का पानी, मैंने बताया कि जब बरसात का मौसम होता है वो 1-1.5 महीने कंटिन्यू होता है, और आप सोच लीजिए कि जिसका प्रतिदिन का इनकम के कारण उसका भोजन पानी चलता हो वो कैसे वहां गुजारा करता होगा। लेकिन मैं मानती हूं कि ये जो सोशल मीडिया है उसकी ताकत कितनी ज्यादा है कि मुझे भी वहां तक खींच के ले गई, और शायद मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहीं ना कहीं से दादी के पास जाकर उनकी मदद के लिए आप खड़े होंगे, तब मुझे लगेगा कि मेरा ये काम कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, मेरा कहीं ना कहीं जो प्रयास है ऐसे लोगों को आप तक पहुंचाने का वो सफल हो रहा है। 80 साल की उम्र में भी दादी वहां पर लिट्टी बनाती हैं। ऐसा हो सकता था कि वो अपने घर पे बैठ जाती और बेटियों के सामने आश्रित हो जाती और शायद कोई ना कोई उनका मदद करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन दादी ने इसको नहीं चुना बल्कि मेहनत को चुना, और आज भी वहाँ बैठ के सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक दादी वहाँ पर काम करती हैं, लिट्टी बनाती हैं और फिर लोगों को खिलाती हैं। बहुत हमने पूछा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि जो मैं काम कर रही हूँ बस इसी सब की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उन्हें कोई रिसोर्सेज चाहिए भी नहीं, संसाधन चाहिए भी नहीं। मैंने, मेरे पास जो भी था, ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, हमने, हमारे पास जितना हो पाता है हम उतनी मदद वहां पे करके आते हैं जहां भी हमें लगता है कि करना चाहिए। दादी के पास भी गए, हमारे पास कुछ अमाउंट था जिसको मैंने दिया दादी को, तो उनके हाथ पे पकड़ाते ही पहले उन्होंने देख के कहा कि इतना किस लिए, मतलब अगर उनके भाषा में बोलूं तो उन्होंने कहा कि इतना काहे ला देता नहीं।
तो मैंने बोली कि बस ऐसे ही दे रही हूँ, मतलब हमने लिट्टी खाया, हमारी पूरी टीम ने लिट्टी खाया, बड़ा स्वादिष्ट लिट्टी बनाया था उन्होंने, तो बहुत उन्हें अच्छा महसूस हुआ और थोड़ा सा वो मतलब इमोशनल हो गई थी, भावुक हो गई थी और उन्होंने मतलब रोना शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल एक मोमेंट था कि हम किसी की मदद के लिए जाते हैं और उसे इतना अच्छा लगता है कि कोई उनसे आके बात कर रहा है और उनसे मतलब पूछ रहा है कि वो कैसी हैं, तो इंसान भावुक हो ही जाएगा, ये बहुत सरल सी बात है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि दादी के पास जैसे मैं पहुंची हूँ वैसे इस छपड़ा जैसे जगह के कोने कोने से लोग वहाँ पे पहुँचे। और बहुत लोग संपन्न होते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें अपनी संपन्नता कहाँ पे लुटानी है, तो ऐसी जगहों पे जब आप पहुंचेंगे और ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो भगवान आपकी भी संपन्नता पर चार चांद लगाएंगे और भी आपकी बरकत होगी। तो कहीं से भी आसपास से अगर आप मेरी वीडियो को पहुंचाते हैं, छपड़ा जिला के आसपास भी पहुंचाते हैं और कोई मेरे इस वीडियो को देख के वहां पहुंचता है, तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मिलती हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। हमसे शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।